नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के अपने तीसरे मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी, क्योंकि दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। मैच में चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई थी और राजस्थान की टीम ने 216 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। इसके अलावा चेन्नई की बल्लेबाजी भी मैच में कुछ खास नहीं चली थी। फाफ डुप्लेसिस के 72 रन नहीं होते तो टीम 200 के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। मैच के दौरान धोनी के बल्लेबाजी क्रम को भी लेकर काफी आलोचनाएं हुई हैं। धोनी इस मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे जब मैच चेन्नई से बहुत दूर निकल चुका था। हालांकि आखिरी ओवर में धोनी ने कुछ अच्छे हाथ जरूर दिखाए, लेकिन तब तक मैच निकल चुका था। इस मैच में धोनी अपनी बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी कुछ बदलाव करते नजर आ सकते हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स अपने शुरुआती मैच में पंजाब के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर ओवर तक गए मैच में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया था। हालांकि टीम के लिए इंजरी बड़ा कंसर्न है और उसके कई बड़े खिलाड़ी चोट की वजह से परेशान है। देखना है इस मैच में आर अश्विन खेलते हैं या नहीं। चलिए नजर डालते हैं क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11, शेन वॉटसन, मुरली विजय, फाफ डुप्लेसी, सैम करन, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, दीपक चाहर और लुंगी एंगिरी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शुमरन हेटमायर, मार्कस टोनिस, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, एनरिक नॉर्जे, मोहित शर्मा और कंगिसो रबाडा। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।